हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्टिचिंग विद शाहीन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक चिकन स्टार्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने लिए 250 ग्राम्स चिकन, हमने इसे स्ट्रिप्स में कट कर लिए। हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टी स्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टी स्पून कॉर्न स्टार्च। सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे और पिंच ऑफ ग्रीन कलर। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसे हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट करने के लिए रख लेंगे। यहाँ हमने पालक को फाइनली चॉप्ड कर लिए। हम डालेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, 2 टेबल स्पून मैदा। हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे 2 टी स्पून तिल। अब हम चिकन के स्ट्रिप लेंगे और इसे पालक और तिल में कोट कर लेंगे। ये देखिए, हमने चिकन के स्ट्रिप को पालक और तिल में कोट कर लिए। अब हम इसे आपको फ्राई करके बताते हैं। देखिए, हमने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिए। अब हम इसे आपको डिश आउट करके बताते हैं। पालक चिकन स्टार्टर आपको डिश आउट करके बता दिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी।